हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का न्यू भर्ती आने वाला है, जो कि नवंबर दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, यहां पर टोटल पोस्ट की बात करें तो यहां पर आरपीएफ कांस्टेबल में 9000 से 10000 के आसपास यहां पर टोटल पोस्ट होने वाला है, और आरपीएफ एसआई की बात करें तो 2000 से 3000 यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर टोटल पोस्ट की बात करें तो 12000 से 13000 के आसपास यहां पर होने वाला है। तो दोस्तों, इससे पहले आरपीएफ का भर्ती 2018 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है, अब जो है 2023-24 में होने वाला है। सो दोस्तों, यहां पर जो है आरपीएफ से रिलेटेड एक नोटिस आया है, उसमें कहा गया है कि 2018 में जो भर्ती हुआ था, वो भर्ती को जो है पूरा प्रोसेस को आरपीएफ ने करवाया था, जैसे कि रिटर्न टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल, पूरा प्रोसेस को आरपीएफ ने करवाया था। लेकिन अभी जो नोटिस आया है, उसमें कहा गया है कि फर्स्ट फेज मतलब रिटर्न टेस्ट को जो है आरआरबी के द्वारा करवाया जाएगा, उसके बाद फिजिकल मेडिकल को ए टू जेड को जो है आरपीएफ के द्वारा करवाया जाएगा, इस तरह से कहा गया है। सो दोस्तों, 2018 के अकॉर्डिंग क्या क्या होता था, एज लिमिटेड, सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन, फिजिकल कैसे होता था एसआई कांस्टेबल के लिए, ए टू जेड जानकारी आपको देने वाला हूँ 2018 के अकॉर्डिंग, ताकि आपको तैयारी करने में काफी आसान हो सके। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि फ्यूचर में हर प्रकार की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल लिख दिया हूँ यहाँ पास मैं, और यहाँ पर आरपीएफ एसआई दोनों को लिख दिया हूँ। जो है आरपीएफ कांस्टेबल देख लेते हैं, तो फी की बात करें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रूपया चार्ज लगता है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। अदर जैसे की एसटी एससी और फीमेल के लिए 250 लगता है, यहाँ पर 250 रूपया। यहाँ पर एज की बात करें तो 18 से 25 साल आपका एज होना चाहिए, मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। एज कब से काउंट होगा, नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और ओबीसी को 3 साल का एज में छूट दिया जाता है, एसटी एससी को 5 साल का एज में छूट दिया जाता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल, आप लोग 10th पास हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो कांस्टेबल के लिए, यहाँ पर देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटर्न टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, देन लास्ट में मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा इसी में। उसके बाद देख लेते हैं सिलेबस की, कौन कौन सा सिलेबस होने वाला है कांस्टेबल के लिए। तो रीजनिंग से 35 क्वेश्चन होने वाला है, मैथ से 35 क्वेश्चन और जीके जीएस से 35 क्वेश्चन होने वाला है। टोटल 120 मार्क्स का होने वाला है, यहाँ पर 120 मार्क्स और 120 क्वेश्चन आने वाला है, और 90 मिनट का आपको समय मिलने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होने वाला है, मतलब 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर काट दिए जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद देख लेते हैं फिजिकल, जैसे कि आप लोग फिजिकल दिलाने जाओगे तो क्या क्या होता है। सबसे पहले हाइट का मेजरमेंट होगा, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। और एसटी एससी वालों के लिए हाइट में छूट है, जो कि मेल के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होता है। और जो है चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। रनिंग जो है 1600 मीटर करना होगा कांस्टेबल के लिए, 5:45 में आपको करना है, 5:45 में कंप्लीट करना है। और फीमेल के लिए 800 मीटर करना है, 3:45 में आपको रनिंग कंप्लीट करना है। उसके बाद देख लेते हैं हाई जंप। हाई जंप जो है 4 फीट है मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 3 फीट रखा गया है। और जो है लॉन्ग जंप 14 फीट मेल के लिए और 9 फीट जो है फीमेल के लिए रखा गया है, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल का होने वाला है, देख सकते हो गाइस। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग आरपीएफ एसआई के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रूपये चार्ज लगता है, और अदर कैटेगरी जैसे एसटी एससी फीमेल के लिए 250 रूपये लगता है, जो कि कांस्टेबल की तरह है। और एज की बात करें तो 20 से 25 साल आपका एज होना चाहिए, इसमें भी छूट दिया जाता है। ओबीसी को 3 साल, एसटी एससी को 5 साल का छूट दिया जाता है। क्वालिफिकेशन इसमें थोड़ा अलग है, क्योंकि दरोगा का पोस्ट होने वाला है। सिंपल, आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप लोग बीए किए हो, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किए हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये कांस्टेबल की तरह होता है, रिटर्न टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल और सिलेबस जो है सेम इसी की तरह होता है। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, मैथ से 35 क्वेश्चन, जीके जीएस से 50 क्वेश्चन, सेम इस तरह से सिलेबस होता है आरपीएफ एसआई का, देख सकते हो आप लोग। सिलेक्शन प्रोसेस और
सिलेबस सेम होता है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग फिजिकल, इसमें जो हाइट, इसमें भी 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होता है और इसमें फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होता है। हाइट में छूट दिया जाता है एस टी एस सी को 160 सेंटीमीटर और फीमेल कैटेगरी के लिए एस टी एस सी का जो है 152 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर होता है इसमें भी, और लॉन्ग जंप जो है 12 फीट होता है और फीमेल के लिए 9 फीट होने वाला है। और रनिंग जो है यहाँ पर देख सकते हो 1600 मीटर 36 में आपको कंप्लीट करना है फॉर मेल कैंडिडेट के लिए, और जो है 800 मीटर 4 मिनट में कंप्लीट करना है फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद देख लेते हैं हाई जंप 3 फीट 9 इंच करना है फॉर मेल कैंडिडेट के लिए और 3 फीट कंप्लीट करना है आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए, 3 फीट करना है। देख सकते हो हाई जंप इस तरह से फिजिकल होता है आरपीएफ एसआई का और इस तरह से होता है आरपीएफ कांस्टेबल का। तो दोस्तों यह वैकेंसी जो है नवंबर दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है आरपीएस रिलेटेड एक नोटिस आया है उसमें कहा गया है कि इसका फर्स्ट फेज जो होता है रिटर्न टेस्ट वो अब आरआरबी करवाएगा और सेकंड फेज जो होता है जैसे कि फिजिकल मेडिकल वो जो है आरपीएफ के द्वारा करवाएगा। इसका वैकेंसी जो है जल्द ही आने वाला है। तो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल एंड आरपीएफ एसआई के बारे में 2018 के अकॉर्डिंग आपको बता दिया हूँ, ए टू जेड जानकारी बता दिया हूँ कि किस किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होता है, एज क्या मांगा जाता है, और जैसे ही इसका 2023 में नोटिफिकेशन आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि फ्यूचर में हर प्रकार की जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।